दोस्तों कुछ लोगों का सवाल है कि टर्म इंश्योरेंस परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा परचेज करें जो अफोर्डेबल हो, कवरेज अच्छा हो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा हो, रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन हो, सेम डे क्लेम प्रोसेसिंग का भी ऑप्शन मिलता हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आज हम एक ऐसे टर्म प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जो ₹21 पर डे का कॉस्ट पड़ता है और ₹1 करोड़ का आपको कवरेज देखने को मिलता है। ये कौन सा प्लान है इसके बारे में डिटेल में हम PPT में देखने वाले हैं, फीचर्स भी जानेंगे ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो दोस्तों ये जो प्लान है वो है HDFC 1 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और आज हम इसी का सबसे पहले फीचर्स देखने वाले हैं, देन हम इसके और भी रिक्वायरमेंट्स के बारे में आगे बात करेंगे। तो पहला फीचर है वो है सिंपल परचेज। जी हां, आप इस प्लान को सिंपली परचेज कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल और इसके लिए आपको इनके वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और यहां से आप इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। आप चाहे तो थर्ड पार्टी वेबसाइट या थर्ड पार्टी ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर जो है वो है हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो कि आपको इस प्लान में देखने को मिलता है और इसका जो रेट है वो है 95.54% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो और इस प्लान में आपको ऑलमोस्ट सभी तरह के डेथ कॉजेज का कवरेज मिल जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो ये है अस्योर्ड सम। तो इसमें आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक का मैक्सिमम अस्योर्ड सम आपको मिल जाता है HDFC 1 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फ्लेक्सिबल एज लिमिट। आपको यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है एज को लेकर के जो कि कई सारे प्लान में आपको देखने को नहीं मिलता है और इसमें जो आपको एज लिमिट दिया गया है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 65 साल यानी कि 18 से 65 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इस प्लान को सब्सक्राइब कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल टेन्योर टर्म। आपको टेन्योर टर्म में भी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है, आप अपने हिसाब से बजट के हिसाब से आपका एज जो है उसके हिसाब से आप 1 करोड़ HDFC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप वेरियस टर्म्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, मतलब ये आपको अलग अलग तरह के ऑप्शंस यहां पर दिए जाते हैं जो कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी होता है और ये आपको इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स, वो भी राइडर के लिए। जी हाँ, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर ड्यू टू एन एक्सीडेंट द नॉमिनी विल रिसीव सम एक्स्ट्रा अस्योर्ड सम इन एडिशन टू द इंश्योरेंस कवर लमसम, यानी कि नॉमिनी जो है वो इंश्योरेंस कवरेज के अलावा भी कुछ सम अस्योर्ड अमाउंट इन एडिशन में रिसीव करेंगे यानी कि यहां से आपको मिलता है। नेक्स्ट प्लान है वो है मंथली इनकम ऑप्शन और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत कम इंश्योरेंस पॉलिसी में देखने को मिलता है लेकिन आपको यहां पर HDFC टर्म इंश्योरेंस प्लान में देखने को मिलता है जो कि मैक्सिमम 15 सालों तक के लिए मंथली इनकम नॉमिनी को मिलता है। आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो नॉमिनी विल रिसीव द अस्योर्ड लमसम मनी एंड रिसीव द रिमेनिंग इंश्योरेंस सम इन मंथली इनकम्स फॉर अ मैक्सिमम 15 साल 15 years. अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी के लिए आप एज लिमिट देख लीजिए, तो एज मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया है, 18 से 65 साल का एज होना चाहिए वो एलिजिबल होगा। मैच्योरिटी एज की बात करें तो 75 years तक का मैच्योरिटी एज होगा जो कि एज मार्क 75 years रखा गया है। कवरेज टेन्योर 40 इयर्स का मैक्सिमम है, मिनिमम 10 इयर्स का है, तो आप इसके बीच में जो भी प्लान चाहें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं जो कि है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं, तो इवन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर ड्यूरिंग द पॉलिसी टेन्योर द असाइंड नॉमिनी विल रिसीव द टोटल अस्योर्ड इंश्योरेंस सम कवर। तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसे टोटल अस्योर्ड इंश्योरेंस का सम कवर देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है कि द HDFC 1 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस प्लान इज प्योर टर्म प्लान, यानी कि ये प्योर टर्म प्लान है, हेंस यू विल नॉट गेट एनी मैच्योरिटी बेनिफिट एंड सर्वाइवल बेनिफिट्स, यानी कि आप इसमें किसी भी तरह का मैच्योरिटी बेनिफिट्स और सर्वाइवल बेनिफिट्स आपको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस एक प्योर टर्म प्लान है। अगला पॉइंट है कि द डेथ ऑफ बेनिफिट फॉर द 1 करोड़ पॉलिसी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रीमियम पॉलिसी चूजन बाई द पॉलिसी होल्डर। तो पॉलिसी होल्डर ने किस तरह का प्लान चूज किया है उसी के अकॉर्डिंग 1 करोड़ का पॉलिसी मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि कैसा चूज किया। जैसे कि मान लीजिए कि इफ द पॉलिसी होल्डर्स ऑप्ट फॉर अ सिंगल प्रीमियम पॉलिसी
अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने एक प्रीमियम पॉलिसी परचेज किया है तो ही और शी विल गेट 125% ऑफ द सिंगल प्रीमियम अलॉन्ग विद द अस्योर्ड सम। तो 125% वो सिंगल प्रीमियम का अस्योर्ड सम रिसीव करेगा। इफ द पॉलिसी होल्डर ऑप्ट फॉर एनी अदर प्रीमियम पॉलिसी ऑप्शंस, अगर कोई पॉलिसी होल्डर कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम पॉलिसी ऑप्ट करता है तो वो रिसीव करेगा 105% ऑफ द प्रीमियम और 10 टाइम्स द एनुअलाइज्ड प्रीमियम अलोंग विद द अस्योर्ड सम, यानी कि 10 गुना आपको मिलेगा अस्योर्ड सम के। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखें तो अब मेजर बेनिफिट ऑफ द एचडीएफसी वन कोर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज दैट द इंश्योरेंस प्रीमियम टू बी पेड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम ऑफ द पॉलिसी होल्डर। और जो आपको 1 करोड़ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवरेज मिलता है 1 करोड़ रुपए का, वो अंडर टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगला पॉइंट देखें, ये भी टैक्स रिलेटेड है कि द इंश्योरेंस अमाउंट विल आल्सो बी टैक्स फ्री, यानी कि ये इंश्योरेंस अमाउंट भी टैक्स फ्री होगा और यू विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्स फ्रॉम द इंश्योरेंस कवर और आपको इंश्योरेंस कवरेज में से कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। तो इस प्लान को परचेज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो एक पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 आपको सबमिट करना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको इन चारों में से कोई एक आईडी देना पड़ेगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए, जो कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, एनी गवर्नमेंट इश्यूड आईडी या फिर वोटर आईडी, इन चारों में से कोई एक। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको इन चारों में से कोई एक देना पड़ेगा, जैसे कि पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, इन चारों में से कोई एक। प्रूफ ऑफ एज, यानी कि एज प्रूफ करने के लिए आपको इन पांचों में से कोई एक देना पड़ेगा, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इन पांचों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा प्रूफ ऑफ एज के तौर पर। अब बात करते हैं कि स्टेप टू बाय एचडीएफसी वन करोड़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इसको इस पॉइंट को मैंने शुरू में ही कवर कर लिया है कि कहां से परचेज करेंगे। तो बस यही कुछ था एचडीएफसी वन करोड़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस परचेज करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो आप इस प्लान को कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें आपको दमदार फीचर्स देखने को मिलता है जो कि आपने यहां पर देखा भी। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।